पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन में भूषण ज्वेलर्स 4 साल से लोगों की पहली पसंद बन गया है। अब आपको चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला जैसे आभूषण सोलन में ही मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब सभी लोगों के सोना पहनने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। इसके लिए नामात्र जमा पूंजी पर किटी खोलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भूषण ज्वेलर्स मौका प्रदान करता है और विवाह शादी के ग्राहकों के लिए भूषण ज्वेलर्स द्वारा विशेष उपहार दिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में सौभाग्य उत्सव योजना के तहत ग्राहकों को इयोन कार, 5 स्कूटी और ढेरों आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में 134वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान रहा है। ठीक 133 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर को 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। जिन मूल्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिन नीतियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, आज हमें बड़ी खुशी है कि हम उस समय के व्यक्ति तो नहीं हैं, लेकिन आज वो विचारधारा सही मायने में इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ध्वजारोहण किया और आज सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता की आज हमने शपथ ली है। और जिसे प्रधानमंत्री दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट।